बीते शुक्रवार को भारी गिरावट के साथ भारतीय शेयर बाजार बंद हुए। पिछले हफ्ते सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनी में से 6 को नुकसान उठाना पड़ा, जबकि सबसे ज़्यादा नुकसान रिलायंस इंडस्ट्री को हुआ, जबकि सबसे ज़्यादा लाभ HDFC लिमिटेड को हुआ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगले इस हफ्ते बाजार की चाल कैसे रह सकती है। बीते हफ्ते बाजार में उतार चढ़ाव की वजह से सेंसेक्स की 6 कंपनियों का मार्केट कैप में 78,275 करोड़ रुपए का गिरावट आया। घाटे में रहने वाली कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्री, TCS, HDFC बैंक, HUL, भारतीय एयरटेल और कोटक महिंद्रा बैंक है, जबकि TCS का मार्केट कैप 90,700 करोड़ रुपए से घटकर 8,41,453 करोड़ रुपए रह गया है। भारतीय एयरटेल का मार्केट कैप 70,219 करोड़ रुपए से घटकर 2,88,544 करोड़ रुपए रह गया है। वहीं HUL का बाजार 8,634 करोड़ रुपए से घटकर 5,10,792 करोड़ रुपए रह गया है। कोटक महिंद्रा बैंक का मार्केट कैप 6,728 करोड़ रुपए से घटकर 2,58,855 करोड़ रुपए रह गया है, जबकि HDFC बैंक का मार्केट कैप 5,251 करोड़ रुपए से घटकर 5,68,865 करोड़ रुपए रह गया है। HDFC लिमिटेड का मार्केट कैप 12,609 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,21,014 रुपीस पर पहुंच गया है। ICICI बैंक का मार्केट कैप 2,338 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,34,090 करोड़ रुपए रह गया है। इन्फोसिस का बाजार 1,171 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,06,123 करोड़ रुपए रह गया है। ITC का मार्केट कैप 604 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,41,787 करोड़ रुपए पहुंच गया है। टॉप 10 कंपनियों के लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री, TCS, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, HDFC, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, ITC और ICICI बैंक का स्थान रहा। महंगाई दर के आंकड़ों का असर बाजार पर दिख सकता है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे बाजार का मूड सुधर सकता है। वहीं 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बड़े ऐलान किए थे, जिस पर सोमवार को बाजार रिएक्ट कर सकता है। उन्होंने कहा कि 3 भारतीय कंपनी वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। इसके अलावा रूस ने शनिवार को कहा कि वैक्सीन की पहली खेप बनकर तैयार है।